UIDAI रन आधार सेंटर के जरिए आप अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं और आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, तो आइए इस स्टेप्स को फॉलो करके देखते हैं किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल के पेज पर आप आएंगे। गूगल के पेज पर आने के बाद UIDAI सर्च करेंगे। UIDAI सर्च करने के बाद में आप ये देखें, पहला ऑप्शन जो है UIDAI.government.in, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माई आधार पे जाएंगे। माई आधार पे जाने के बाद आप बुक एंड अपॉइंटमेंट जाने के बाद ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सिटी, तो वहाँ पे आप अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे सिलेक्ट सिटी करने के बाद में प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट आप करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा सिटी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन जो है उसको क्लिक करते हैं। ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए आधार अपडेट, न्यू आधार, मैनेज अपॉइंटमेंट। तो आप यहाँ सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ वो कैप्चा इंटर करेंगे। वो कैप्चा इंटर करने के बाद जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। ये यहाँ मेरा इस तरीके से हो चुका है, OTP मिल गया। OTP यहाँ पे हम इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP करेंगे। वेरीफाई OTP कर देने के बाद में आप, अब मेरे OTP वेरीफाई हो चुका है। आप यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, रेसिडेंट ऐप, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऐप, यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे अपडेट है, न्यू है, वो आप यहाँ पे देंगे। आधार नंबर, नेम ऑन आधार, नेम ऑन आधार, उसके बाद नेम ऑन आधार देने के बाद में इस तरीके से एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप, डॉक्यूमेंट, हेड ऑफ फैमिली या फिर डॉक्यूमेंट के जरिए, स्टेट, सिटी, आधार सेवा केंद्र, ये सारा ऑप्शन जो है आप यहाँ पे फिल करेंगे। ये सारे बॉक्सेस को फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना सारा डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। आधार नंबर, नेम ऑन आधार, जो भी है मेरा वो हम यहाँ पे दे देते हैं। आधार नंबर के बाद नेम ऑन आधार, नेम ऑन आधार देने के बाद यहाँ पे जो है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप, हम डॉक्यूमेंट के जरिए देना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट, बच्चे के लिए हेड ऑफ फैमिली देते हैं। और या उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिटी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आधार सेवा केंद्र जो है वो सेवा केंद्र आप देखिए, जहाँ पे सिटी सिलेक्ट करें वहाँ पे कौन कौन सा सेवा केंद्र है, वो सेवा केंद्र हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से सिटी हो गया, सेवा हो गया, यहाँ पे एक ही शो कर रहा आधार सेवा केंद्र। ये सिलेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट फील्ड्स टू बी अपडेट, अब यहाँ पे नेम चेंज करना है, जेंडर, न्यू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक में फोटो, आईरिस, फिंगरप्रिंट, ये सारा चीज़ आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं तो इसी को सिलेक्ट करेंगे। उसी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए अप्लीकेबल फीस 50 रुपये, आपका जो भी फीस है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो आप सेंटर पे करें या फिर जैसे भी। तो यहाँ पे हो जाने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करेंगे। ईमेल आईडी इंटर कर लेने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, यहाँ पे देखिएगा जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल रहेगा वो ग्रीन कलर का है और जो रेड कलर में है वो नॉट अवेलेबल है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा पे जो हम सिलेक्ट किए हैं वहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक भी डेट जो है अवेलेबल शो नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब है ही नहीं डेट तो हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इससे पहले जो मेरा वीडियो आ चुका है आप देखे होंगे, रजिस्टर रन, ये UIDAI रन सेंटर है। उसी तरीके से रजिस्टर रन सेंटर जो है उसके जरिए हम लेते हैं। उसमें कई सारा जो आप बैंक बोलिए, पोस्ट ऑफिस ले लिए और कोई भी जो रजिस्टर करता है आपका आधार के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके जरिए आप उस जो भी
रजिस्टर करता है तो कई सारे होते हैं, ये एक है तो वो 10 रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसके ज़रिए मिल ही जाता है अपॉइंटमेंट। तो अब बेहतर यही है कि आप कोशिश करें कि रजिस्टर रन के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक करें।